देश में बहुजनों के खिलाफ लगातार हिंसा बढ़ रही है। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र में देखने को मिला था। गुजरात से भी खबर आई कि एक बहुजन को 15 पुलिस वालों ने अपने जूता चाटने पर मजबूर किया। इस तरह के कई मामले मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों से भी सामने आए। बहुजन उत्पीड़न से जुड़े ज्यादातर मामलों में एक सामान्य बात यह है कि बीजेपी, आरएसएस से जुड़े लोग और समूह उनके पीछे है। इन मामलों को लेकर पूरे देश में बहुजनों का गुस्सा उबाल पर है और वहीं बहुजन प्रतिरोध के तेज हो रही है आवाज 90 के दशक में हुए इस ठुकराव की याद दिला रही है, जब बहुजन पिछड़ी जातियों के आभार और सामाजिक न्याय की शक्तियों को दबाने के लिए बीजेपी ने सांप्रदायिक मुद्दे को बढ़ावा दिया था। बीजेपी और आरएसएस दलित अस्मिता में जुट गई है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां अब कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। बता दें, जी परमेश्वर यानी कर्नाटक के कांग्रेस नेता और उप मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले एक बड़ा बयान देकर पार्टी को असहज कर दिया है और इस बयान के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है। बता दें, जी परमेश्वर ने पार्टी में बहुजनों से भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कुछ लोग बहुजनों को दबाने की कोशिश में जुटे हैं, वह बहुजनों के उत्थान को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कई बहुजन कांग्रेस नेताओं को उसके कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री पद से इसलिए वंचित किया गया क्योंकि वह दलित समुदाय से है। दावन गेरो में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बहुजन नेता और उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि वसब लिगम्पा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और KH रंगनाथ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा है, हमारे बड़े भाई मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके, मैं खुद इससे 3 बार वंचित रह गया। कुछ संकट के बाद उन्होंने मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया। परमेश्वर ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें राजनीति रूप से दबाना चाहते हैं। बता दें, इससे पहले भी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने पिछले साल मई में एक और बयान की वजह से सुर्खियों में रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर को बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।